हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीतांजलि एक बहुत ही लालची औरत थी। उसे बस पैसों से ही मतलब रहता और बस पैसों की वजह से ही उसने अपने बेटे ललित की शादी एक अमीर घर की लड़की अमृता से की, जिसमें उसकी बेटी की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ललित अमृता से कभी बात तक नहीं करता था। कई दिनों तक जब ऐसा ही चलता है तो एक दिन अमृता खुद जाकर ललित से कहती है, ललित जी, मैं आपको शादी के बाद से देख रही हूँ। आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक मुझे आपने अपनाया तक नहीं। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? दरअसल तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बस काम की वजह से मैं बिजी रहता हूँ। अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। इतना समय हो गया है शादी को, इतना तो मुझे भी समझ आने लगा है कि काम की वजह से आप मुझसे दूर नहीं जा रहे, बल्कि बात कुछ और ही है। नहीं नहीं, और दूसरी क्या ही बात होगी। तुम भी ना कुछ भी मत सोचो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, तब तक मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों बिना बात की जिद कर रही हो? मैं बोल तो रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आपको माँ जी की कसम है, झूठ मत बोलिए। मुझे सच जानने का पूरा हक है, आज आपको बताना ही होगा। वो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। माँ के जबरदस्ती करने से मैंने शादी के लिए हाँ की है। क्या, जब आप शादी ही नहीं करना चाहते थे तो आपने हाँ की ही क्यों? ना नहीं तो मेरा ही सोच लेते। आप किसी और से प्यार करते हैं? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। लेकिन मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता हूँ। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें बीवी की तरह नहीं अपना सकता। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बोलना आसान होता है, लेकिन जब आपके दिल में मेरे लिए कुछ था ही नहीं तो मना ही कर देते। कम से कम उस समय जो दुख होना होता वो हो जाता। अब जितना बुरा तो नहीं लगता? अमृता की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से ललित चला जाता है। ललित अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बस अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाया था। अब अमृता के सवालों का जवाब देकर ललित अपने ऑफिस जाता है। वहाँ एक नई लड़की महक आई हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। महक को देखकर ललित की आंख वहीं रुक जाती है। काफी देर बाद ललित हिम्मत करके महक के पास जाकर कहता है, हेलो, आप यहाँ नई आई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ। आपको कुछ चाहिए साहब? क्या, तुम साफ सफाई करती हो? लेकिन तुम दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी लग रही हो। साहब, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। पढ़ी लिखी क्या, मैंने तो अपनी गरीबी के चलते स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बड़ी ही मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तुम मुझे साहब बोलना ना बंद करो। मानता हूँ मैं सर हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो साहब आप? मैं यहाँ साफ सफाई वाली हूँ और आप यहाँ ऑफिस में काम करते हो, हम एक बराबर नहीं है ना? लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। महक इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन महक की बातें ललित को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बार बार किसी न किसी बहाने से महक के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। महक को भी ललित के बर्ताव से समझ आ रहा था कि उसके दिल में महक के लिए भावना है, लेकिन वो गरीब होने की वजह से ललित से बात करने से भी कतराती थी। ललित भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो रोक नहीं पाता। एक दिन महक को अपने दिल की बात बताते हुए ललित कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? यहाँ आप ऑफिस में काम करने आते हो और मैं सफाई करने, हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस तुम्हारा जवाब सुनना जरूरी है। ललित की बात सुनने के बाद महक हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन हाँ बोल देती है। और ललित भी महक को अपनी पहली बीवी के बारे में सब बताता है। ललित महक को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ गीतांजलि और बीवी को बताते हुए कहता है, आप लोगों को भले ही मैं गलत लगूं, मेरी बातें गलत लगें, लेकिन सच यही है कि मैं महक से बहुत प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बहू की सौतन अपने घर से कुछ लाएगी भी या खाली हाथ आ जाएगी? नहीं, महक के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, बहुत ही गरीब है, इसीलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, और अब ऐसे अचानक ये मेरी सौतन को घर ले आए, मतलब उस दिन भी आपने झूठ ही बोला था। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन महक से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिसकी तलाश थी वो यही है। क्या, आप मेरी सौतन को आप मेरी जगह देना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकती इस घर में अब। और मेरे नालायक बेटे की वजह से अगर मेरी अमीर बहू चली गई तो?
तो बहू की गरीब सौतन का क्या करूँगी मैं, क्या करूँ अब इसका मैं। दीदी आप मेरी वजह से कहीं मत जाओ, जानती हूँ आपको हमारी शादी की बात सुनकर ठेस पहुँची है, लेकिन मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं रह सकती इनके बिना। हाँ बहू, ये तेरी गरीब सौतन सही कह रही है, इनकी वजह से तू घर छोड़कर क्यों जाएगी, जिनकी गलती है उन्हें जाना चाहिए ना, तू यहीं रहे। नहीं माँ जी, अब मैं यहाँ और रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। आप मुझे रोको मत, अगर आप पहले ही ललित जी से जबरदस्ती नहीं करती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अमृता की बातें सुनने के बाद गीतांजलि को अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जाने का डर सताने लगता है और वो जाकर अपनी अमीर बहू को उसकी गरीब सौतन के खिलाफ भड़काने लगती है। अमृता कहीं ना कहीं अपनी सास की बात मान ही जाती है और अपनी सौतन को ही घर से निकालने का सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद महक और ललित एक साथ कमरे में थे, तभी गीतांजलि और अमृता वहाँ जाते हैं और गीतांजलि कहती है, ए मेरी अमीर बहू की गरीब सौतन, तू ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है। माँ जी हम दोनों तो बस यहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे। माँ आप महक से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, वो भी इस घर की होने वाली बहू ही है। इस गरीब को तू मेरी अमीर बहू की सौतन जरूर बना सकता है, लेकिन मेरे घर की बहू नहीं, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे माँ जी ऐसे मत बोलिए, देखिए ना दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन महक तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, शादी से पहले मिलना ठीक नहीं होता। हाँ दीदी आप सही बोल रही हो, ललित जी आप जाइए यहाँ से, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों नहीं मिल सकते, अब आप बिना बात के जिद मत करना। लेकिन हम तो एक ही घर में रह रहे हैं ना, तो एक साथ रहने में क्या दिक्कत है। ललित जी आप भी ना कितने भोले हो, इतनी मुश्किल से तो आपको अपना प्यार मिला है, तो अब उस पे परेशानी आए तो क्या आपको ठीक लगेगा, नहीं ना तो चलिए आप मेरे साथ कमरे में। अमृता बहाने से ललित को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और आगे भी सास बहू मिलकर महक और ललित को एक साथ मिलने से हर बार टोकने लगते हैं। लेकिन ललित महक का प्यार देखकर कहीं ना कहीं अमृता का दिल पिघल जाता है और कुछ ही दिनों बाद जब दोनों की शादी का दिन आता है तो शादी के मंडप में ही गीतांजलि शादी को रोकते हुए कहती है, ये शादी नहीं हो सकती, जब तक एक बीवी है तब तक तू दूसरी शादी नहीं कर सकता, अगर तू दूसरी शादी करेगा तो तुझे जेल भी हो सकती है। लेकिन जेल होगी नहीं, क्योंकि मैं ललित जी को तलाक दे रही हूँ। बहू ये क्या बोल रही है तू, हम दोनों ने साथ में कुछ बात की थी ना, फिर तू हार क्यों मान रही है। तेरी इस गरीब सौतन को मैं इस घर से और तेरी जिंदगी से निकाल कर ही मानूंगी। नहीं माँ जी अब मत रोकिए, वैसे ही ललित जी ने आपके दबाव में आकर मुझसे शादी की थी, जब वो खुद अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उन्हें मत रोकिए आप। बहू तू क्यों घबरा रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं माँ जी आप मेरे साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ हैं, आपको मेरी सौतन से नहीं बल्कि मेरी गरीब सौतन से परेशानी है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अब आप कुछ भी कर ले ये शादी तो होकर ही रहेगी। अमृता अपनी सास के खिलाफ जाकर उन दोनों की शादी करवा देती है और कुछ ही दिनों में ललित को तलाक भी देती है। अमृता वहाँ से अपने मायके चली जाती है और तीनों की उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाती है। क्यों होती है इतनी सर्दी, हे भगवान ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए कि कोई काम करने का मन ही ना करे, काम नहीं करूंगी तो सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देंगी मेरे। कनिका की शादी क्षितिज से बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद एक अच्छी बहू की तरह कनिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, पर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है कनिका के काम करने की स्पीड पर ब्रेक लग जाता है। ऐसे ही दिसंबर का महीना आता है, चारों तरफ कोहरा और ठंडी हवा बहने लगती है। कनिका अपने रूम की खिड़की को जरा सा खोलकर उसमें से अपनी उंगली को बाहर निकालती है और चिल्लाकर बोलती है, हाय हाय ठंडी ठंडी ठंडी, नहीं 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 बाहर नहीं जाऊंगी बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंडा बहुत ठंडा, आज तो नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है मैंने। कनिका इतना बोलकर कंबल में दुपक कर बैठ जाती है, तभी वहाँ उसकी सास मेनका आती है और कनिका से बोलती है, बहू तू क्या जच्चा की तरह कंबल में दुबक कर बैठी है, चल नीचे काम करना है बहुत सारा। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। अरे मैं सब जानती हूँ तेरे बहाने, एक नंबर की आलसी है तू, अब उठ जा और काम पे लग जा, समझ गई। माँ जी प्लीज, तू उठ रही है या ठंडा पानी गिरा दूँ तेरे ऊपर और पंखा चला दूँ। नहीं माँ जी आ रही हूँ आप चलिए।
मेनका वहाँ से जाती है और कनिका आलस भरे मन से कंबल में से बाहर निकलती है और जल्दी से शॉल, टोपी, जुराब पहनकर एकदम बर्गर की तरह पैक हो जाती है और मेनका के पास जाती है। उसे ऐसा देखकर मेनका हंसते हुए बोलती है, अरे क्या बनी हुई है ये तू? सारी दिल्ली की सर्दी तुझे ही लग रही है क्या? माँ जी, आपको काम करवाना है मुझसे या नहीं? अरे काम का तेरे इस हुलिये से क्या लेना देना है? लेना देना बाद में देखा जाएगा। मुझे ठंड लगती है और ठंड में मुझे आलस आता है, इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें पहनी है ताकि मुझे ठंड ना लगे और मैं काम कर सकूं। अरे ठंड में तो तेरा दिमाग जम गया है, ये इतना तामझाम पहनकर कैसे काम करेगी तू? पगला गई है क्या? माँ जी, आपको मुझसे काम करवाना है ना, तो अपनी सलाह मत दीजिए अब मुझे। मेनका वहाँ से चली जाती है और कनिका खुद को और कपड़ों को संभालती हुई घर के कामों में लग जाती है। वो पूरा किचन साफ करती है और लास्ट में बर्तन धोने के लिए जैसे ही सिंक का टैप ऑन करती है, उसके नीचे हाथ रखते ही वो चिल्ला कर बोलती है, बचाओ बचाओ मैं जम गई। कनिका की आवाज सुनकर मेनका भागी भागी रसोई में आती है और बोलती है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है तू? ठंडा 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 पानी, मेरे हाथ बर्फ हो गए। पर बर्तन तो तूने एक नहीं धोया, सारे वैसे ही पड़े हैं। माँ जी, गर्म पानी से धो लूं बर्तन प्लीज, इतना तो रहम खा लो मुझ पे। हाँ हाँ ठीक है, धो ले और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मेनका वापस से अपने रूम में जाती है और कनिका गर्म पानी करके 200 की स्पीड में सारे बर्तन धो देती है और जल्दी से अपने कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बढ़ती ठंड के साथ साथ कनिका का आलस भी बढ़ रहा था। ऐसे ही एक दिन कनिका कंबल ओढ़े सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहाँ उसका पति क्षितिज आता है। इतना कहकर क्षितिज किचन में जाता है और जल्दी से 2 कप चाय बनाकर लाता है और कनिका को देता है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मेनका आती है, जिसे देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। ये सब देखकर वो बोलती है, क्या हो गया, मुझे देखकर तुम दोनों की बत्तीसी अंदर कैसे हो गई? हाँ कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही हंस रहे थे। तो तू अपना मुंह बंद रख, आलस की दुकान। क्षितिज, तू इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? इसे जरूरत से ज्यादा ही ठंड लगती है, सारा सारा दिन कंबल में बैठी रहती है, इतना आलस अच्छी बात नहीं होती है। कनिका, माँ ठीक कह रही हैं, इतना आलस करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हमें खुद को एक्टिव रखना चाहिए ताकि चुस्ती फुर्ती बनी रहे। कनिका दोनों की बातें सुनकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बसर जाती है। ऐसे ही सबके समझाने पर भी कनिका अपना आलस छोड़ने को तैयार नहीं होती। पहले तो वो बस घर के कामों में ही आलस दिखाती थी, पर अब वो खुद की साफ सफाई में भी आलस दिखाने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और ठंड के चलते वो नहाती नहीं है। वो बस डेली बाथरूम में जाती और गीले रुमाल से अपने मुंह को साफ करती और कभी कभी तो वो भी नहीं करती और ऐसे ही मेकअप करके रेडी हो जाती। एक दिन दोनों सास बहू धूप में बैठे मूंगफली खा रहे होते हैं, तभी मेनका बोलती है। मेनका की बात सुनकर कनिका जल्दी से अपने रूम में जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। उसके बाद वो नहा कर बाहर निकलती है और खुद से बोलती है, राम राम राम, आज माँ जी की वजह से मुझे नहाना पड़ गया, लेकिन अब आने वाले 15 दिन तक नहाने की छुट्टी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कनिका का आलस बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते वो नहाना, ब्रश करना सब कुछ छोड़ देती है और सारा सारा दिन बस रजाई में पड़ी रहती है, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, जिन पर बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है। साथ ही उसके सर में भी खुजली होने लगती है, क्योंकि गंध की वजह से उसके सर में जुए पड़ गई थी। साथ ही उसकी तबीयत भी अब खराब होने लगती है। उसको इस हाल में देखकर मेनका उसे सुनाते हुए बोलती है, अरे नालायक, तुझे कितना समझाया पर तू नहीं समझी, यह सब तेरे आलस की वजह से हो रहा है। कितना कहा तुझे, लेकिन तू अपने मन की ही करती है, देख कैसे सड़ रही है अब तू। अरे अभी भी वक्त है, अपने शरीर का ख्याल रख ले। हाँ कनिका, आज तुम जिस हाल में हो ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। माना कि तुम्हें ठंड लगती है, काम करने का मन नहीं करता, पर ऐसे बैठे रहने से, खुद को साफ सुथरा ना रखने से क्या मिला तुम्हें?
उल्टा तुम बीमार और पड़ गई। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि आलस करना कितना ज्यादा हानिकारक है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी आलस नहीं करूंगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। क्षितिज और मेनका कनिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, कनिका रहती हर मौसम साफ। इस तरह कनिका अपने आलस को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।